हेलो एंड वेलकम टू गप्पा चप्पर। आई एम डॉक्टर स्तुति। आज हम आपके लिए एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि एक मीठा स्नैक है जिसका नाम है अनरसा। तो देखते हैं कैसे बनता है अनरसा। अनरसा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा, आधा कप चीनी का बूरा, 1/4 कप सफ़ेद तिल, 1/4 कप दूध, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम एक बाउल में तिल को छोड़ करके बाकी सभी चीजों को मिला लेंगे और दूध से इसका एक हार्ड डो रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने चीनी का बूरा यूज किया है। अगर आपके पास चीनी का बूरा अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह शुगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। हमने इसका एक हार्ड डो बना करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे ढक करके 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 7 घंटे हो चुके हैं और हमारा डो अनरसा बनाने के लिए पूरी तरह रेडी है। यहाँ मैंने रोल करने के लिए तिल ले लिया है और एक पैन में तेल गरम कर लिया है। अब हम अनरसा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उसको चारों तरफ से तिल से रोल कर लेंगे। आप इसको अपने मनपसंद शेप में बना सकते हैं। यहाँ हम गोल शेप के बना रहे हैं। आप चपटा पूड़ी जैसा या सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से तिल में रोल कर लें, हल्का सा हाथ से दबा दें ताकि तिल जो है वो अच्छे से इसमें चिपक जाए। और अब हम इसे मीडियम से लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए डो अच्छे से एकदम सेट हो गया था, इसलिए जब हम इसे तल रहे हैं तो वो फूल करके बड़े भी हो रहे हैं। अगर आप अनरसे में एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस चाहते हैं तो आप डो बनाते समय उसमें 1 छोटा चम्मच दही और 1 छोटा चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। अनरसे फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम एक जैसे हमारे अनरसे तल करके निकल गए हैं। आप पूड़ी के शेप में भी अनरसा बना सकते हैं। ये देखिए हमने दूसरे शेप में भी अनरसा बनाया हुआ है। देखिए बहुत ही बढ़िया अनरसे और बहुत ही खस्ता अनरसे बने हैं। तो आप भी अपने घर पे इसी तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।